बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे काले चने और वो भी मिट्टी की हंडिया में। उसके लिए जो मुझे अज्जा चाहिए वो है काले चने एक पाव, डेढ़ प्याली बनते हैं। ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून फुल भर के लिया और इसे मैं चनों में लगा दूंगी। रात के मैंने चने भिगोए हुए थे और इनको मैंने ये बेकिंग सोडा लगा दिया। जब तक हम मसाला भुनेंगे इनको ये लगा रहेगा, उसके बाद मैं इन्हें वॉश कर दूंगी, सोडे को निकाल दूंगी। प्याज 1 अदद, लहसुन 1 गठी थी उसको मैंने पीस लिया है, अदरक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सूरह मिर्च 1 चम्मच, 1 अदद टमाटर मैंने उसे चॉप कर लिया छिलका उतार के, गरम मसाला 1 टीस्पून, देसी घी है 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल और देसी घी सबसे पहले मैं हंडिया में डालूंगी। आधी प्याली ऑयल डालूंगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें देसी घी का डालूंगी। और अब चूल्हा ऑन करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। मिट्टी की हंडिया में चने बहुत मजेदार बनते हैं। टाइम तो लगता है लेकिन इतने मजे के बनते हैं कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसलिए मैंने कहा आज मैं आपको भी दिखा दूं कि किस तरह बनाते हैं मिट्टी की हंडिया में चने। घर में एक हंडिया तो ले ही आए आप, क्योंकि इतनी डिशे मैंने मिट्टी की हंडिया में आपको सिखाई है तो बनाना तो आपका बनता है। ये देखें मेल्ट हो गया घी, इसका मतलब है ये गर्म हो गया ऑयल और घी। अब मैं इसमें प्याज शामिल करके हल्का सा प्याज का पानी खुशक होने तक मैंने इसे फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है इसको, बस प्याज का पानी खुशक होने तक ब्राउन करना है, फ्राई करना है सॉरी। प्याज का पानी खुशक हो गया और इसको मैंने ब्राउन नहीं करना। अब इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे, इनको भी हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि इनका पानी भी खुशक हो जाए, वरना फिर लहसुन नहीं गलेगा। और साथ ये टमाटर, दूसरे चूल्हे पे मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने हंडिया में उबलता हुआ पानी डालना है ताकि चने एकदम डोल ना हो जाए। वो कहते हैं हार्ड हो जाते हैं फिर गलते नहीं है, इसलिए टेम्परेचर जो है मैंने गर्म पानी का ही लेना है। बाजार से हल्दी ले आई क्योंकि मैं हर साल हल्दी सुखाती हूँ, तो ऊपर से बारिश आ गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जो हल्दी लेके आई थी 5 किलो उसको मैंने हीटर के आगे रख के ही खुशक कर लिया। ये देखें कितनी अच्छी खुशक हो गई है। अब जब धूप निकलेगी मैं 2 धूप लगवा के फिर इसे पीस लूंगी। जिस जिसने हल्दी पीसनी है घर की वो आजकल ही ले आई, क्योंकि बहुत अच्छी आई हुई है, मोटी मोटी और बहुत ही ताज़ी हल्दी बाजार में आई हुई है। अब मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी शामिल कर दूंगी, ये भी मेरी घर की हल्दी है, मैंने कभी बाजार से हल्दी लेके नहीं डाली। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जब सुरख मिर्च डालें तो थोड़ा सा पानी जरूर डाल लिया करें। अब मैं ये मसाला भून लूंगी। मसाला भून रही हूं मैम, और ये जो चने का पानी है ये मैं निकाल के इसको एक पानी अच्छी तरह धो लूंगी, जो सोडा लगाया है वो निकल जाए सारा। मसाला बहुत अच्छी तरह भून लिया है और इसका मैंने पानी भी ये देखिए चेंज कर दिया। जितना अच्छा मसाला भुनेंगे उतने ही अच्छे चने बनेंगे, उनका जायका उतना ही मज़ेदार बनेगा। अब मैं इनमें ये चने डाल के इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी, बस 1-2 चम्मच चलाने हैं। ये देखिए ये पकना शुरू हो गए। अब मैंने खोलता हुआ पानी इसमें डालूंगी गरम। अब इसको 1 घंटे के लिए दम पे लगा देना है।
एक घंटे तक ये पकता रहेगा। बहुत ही हल्का चूल्हा कर देंगे। एक घंटे बाद देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। एक घंटा हो गया और अब मैं चेक करती हूँ चनों को। वाओ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। शोरबा देखें कितना अच्छा बना है और चने भी चेक करते हैं गल गए। ये देखें रुई की तरह हो गए हैं। इन्हें मैं बॉल में निकाल लूंगी। बॉल में निकाले अब इनके ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़कना है और हरी मिर्च धनिया वगैरह मैं नहीं डालती। अगर आपको पसंद है या आपकी फैमिली पसंद करती है तो आप डाल लें। बहुत मज़ेदार साथ मैंने इसके रोटियां बनाई हैं और साथ चावल भी बॉयल किए हैं। आप जैसे चाहें इनको जिस चीज़ के साथ चाहें खा सकते हैं। प्लीज़ बनाएं, इंजॉय करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।